आने वाले 5 साल में हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकते हैं और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। 6 साल में 8 बार ऐसे मौके आए जब विकास दर 5.7% या उससे नीचे। आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर। मोदी सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही है, पर असल में जो हमारे जीडीपी में इजाफा हुआ है वो सिर्फ 5% ही है, यानी पिछले 6 सालों में से सबसे कम। अगर हम इस तिमाही की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 0.6% इजाफा हुआ है और एग्रीकल्चर सेक्टर में इजाफा सिर्फ 2% ही देखने को मिला है। जब भी कोई इकोनॉमी में गिरावट की बात करता है तो उसे एंटी नेशनल करार दिया जाता है। अगर बात करें मेनस्ट्रीम मीडिया की तो वो हमें हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के बारे में दिखाने में ही लगे रहता है, इकोनॉमी के बारे में कहीं भी सही जानकारी नहीं देखने को मिलती। सरकार कई बार आंकड़ों के साथ हेरफेर कर चुकी है। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले NSSO ने बेरोजगारी की एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें बताया था कि हमारे देश में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, लेकिन इस रिपोर्ट को सरकार ने मानने से साफ इनकार कर दिया था। पर चुनाव के बाद वही रिपोर्ट सरकार ने जारी की और उसे सही माना था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार को आर्थिक मंदी की चेतावनी दी थी। The state of the economy today is deeply worrying. The last quarter's GDP growth rate of 5% signals that we are in the midst of a prolonged slowdown. India has the potential to grow at a much faster rate, but all-round mismanagement by the Modi government has resulted in this slowdown. It is particularly distressing that the manufacturing sector's growth is tottering at 0.6%. This makes it very clear that our economy has not yet recovered from the man-made blunders of demonetization and a hastily implemented GST. Domestic demand is depressed and consumption growth is at an 18-month low. Nominal GDP growth is at 15-year low. There is a gaping hole in tax revenues. The Modi government's policies have resulted in massive jobless growth. More than 3.5 lakh jobs have been lost in the automobile sector alone. There will similarly be large-scale job losses in the informal sector, hurting our most vulnerable workers. Our youth, our farmers and our farm workers, entrepreneurs and the marginalized section deserve better. India cannot afford to continue down this path. Therefore, I urge the government to put aside vendetta politics and reach out to all sane voices and thinking mind to steer our economy out of this man-made crisis. देश में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो इकोनॉमी की है। सरकार कांग्रेस पर ही रोज ताने कसते रहती है, परंतु आंकड़े हमारे नहीं, सरकारी आंकड़े हैं। ये 25वीं बार लगातार घटते जा रही है ग्रोथ रेट। अभी पिछले तिमाही में 5.8 थी, अब 5% पे आ गई है। मैं समझ नहीं सकता कि क्यों सरकार इस पर जवाब देश को नहीं बताती। रोजाना इसी के कारण नौकरियां जा रही हैं। नए नौकरियों की बात छोड़िए, इकोनॉमी की क्या हालत है कि हमको तो एक इकोनॉमिक इमरजेंसी इस देश में लगाने की जरूरत है, नहीं तो देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। ऑटो सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर जिसमें रोजगार बढ़ने के सबसे ज्यादा अवसर होते हैं, उसमें भी लाखों लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। सवाल ये है,
कि इकोनॉमी की ऐसी हालत है क्यों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नोटबंदी और उसी के साथ GST का लगना, बजट में कुछ खास मदद न मिलना। इसके अलावा बेरोजगारी भी पिछले 45 सालों में अब सबसे ज्यादा है। बैंकों में दिनों दिन बढ़ रहे फ्रॉड भी कारण है देश में आर्थिक मंदी आने। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्दी कुछ विशेष कदम उठाएगी और देश को इस आर्थिक मंदी से निकालेगी। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।